मैं हूँ डॉक्टर नीलम। आज हम बात करेंगे यूरेट्रल ब्लॉकेज के बारे में, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट। ये सेम ही है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ या ऐसा कोई कारण जिसकी वजह से जो पेशाब है किडनी में बनता है, किडनी फिल्टर करती है, वो किडनी में ही इकट्ठा हो जाए या पेशाब की नली में ही इकट्ठा होने लगे और नीचे पेशाब की नली तक ना जाए। नॉर्मली गुर्दे जो हैं, किडनी से हैं, वो फिल्टर करते हैं जिससे यूरिन बनता है। वो यूरिन पेशाब की नली यूरेटर के थ्रू नीचे पेशाब की थैली में, ब्लैडर में इकट्ठा होता है। लेकिन किसी कारण से कोई चीज़ किडनी में या पेशाब की नली में फंस जाती है और पेशाब नीचे पेशाब की थैली तक नहीं पहुंचता है। अगर पानी आपका जो लिक्विड है वो किडनी में इकट्ठा होता है तो उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहा जाता है। अगर यही पानी आपका पेशाब की नली में यूरेटर में इकट्ठा होता है तो हाइड्रो यूरेटर कहा जाता है। इसका सबसे कॉमन रीज़न जो आजकल है वो है किडनी स्टोन्स, रीनल स्टोन्स। स्टोन्स किडनी में भी होते हैं और ये कहीं भी पेशाब की नली में फंस सकते हैं, ऊपर, बीच में, नीचे वाले हिस्से में। और अगर जहाँ भी ये स्टोन फंसता है पेशाब की नली में, तो ऊपर से जो किडनी फिल्टर करती है यूरिन, नीचे पेशाब की थैली तक नहीं जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी पथरी कितनी बड़ी है। छोटी है तो थोड़ा थोड़ा पेशाब रुकेगा, ज़्यादा बड़ी है तो बहुत ज़्यादा रुकेगा। उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस 1 है, 2, 3, 4, डिपेंड करता है कितना ज़्यादा जो है ब्लॉकेज है, पथरी कितनी बड़ी है और कितनी क्वांटिटी में जो है लिक्विड आपका किडनी में रुक रहा है। अब दूसरा जो रीज़न है इसका है ये पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन, मतलब PUJ। PUJ उसको बोला जाता है जहाँ से किडनी और यूरेटर, जहाँ से पेशाब की नली किडनी से शुरू होती है, वहाँ पर जो है किसी कारण से वो ओपनिंग जो होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, बंद हो जाती है। वैसे ऐसा बाय बर्थ भी होता है, कंजेनिटल भी होता है। वैसे इसका अभी तक कोई कारण जो है एग्जैक्ट वो अभी तक नहीं पता चला है। बस यही कहा जाता है कि फैमिली हिस्ट्री है या बाय बर्थ जो है ये प्रॉब्लम आपको शुरू होती है। अब इसमें भी क्या होगा कि जो आपका यूरिन फिल्टर होगा वो आपका किडनी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और जो है पेशाब की थैली तक नहीं पहुंचता। अब जब ये पानी आपके किडनी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो किडनी जो है डैमेज होने शुरू हो जाती है। उसकी जो टिश्यू है, सेल्स हैं, जो लेयर है वो डैमेज होती रहेगी और किडनी की फ्लेक्सिबिलिटी, जो उसकी नॉर्मल जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है मसल्स की, सिकुड़ने की, फैलने की, वो ख़त्म हो जाती है और धीरे धीरे करके किडनी जो है हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद जैसे होता है कैंसर या गांठ होती है आपकी, कई बार कैंसर या गांठ, कैंसरस भी हो सकती है, हो सकता है कैंसरस ना भी हो लेकिन कोई गांठ हो आपके पेट में, कोई भी गांठ ऐसी जगह पर हो जो पेशाब की नली को, आपके जो यूरेटर है उसको प्रेस कर रही हो, उसके ऊपर उसका प्रेशर पड़ रहा हो, जिसकी वजह से पेशाब जो है नीचे नहीं जा रहा पूरी क्वांटिटी में, थोड़ा बहुत ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो इसकी वजह से भी हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है। चौथा है रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस इसका भी अभी तक कोई रीज़न नहीं है, बट ये बहुत कम लोगों में होता है कि आपके पेट के आसपास जो है फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है, पेट के पिछले हिस्से में। और इसमें फाइब्रोसिस मतलब हार्डनेस, हार्ड लेयर एक बनना शुरू, पत्थर जैसे जो है हार्ड होना शुरू हो जाती है, उसमें नली का कुछ हिस्सा जो है हार्ड होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे करके वो टाइट हो जाती है। ऐसा आपने देखा होगा कि कभी कई बार हम ऑपरेशन करवाते हैं, ऑपरेशन के बाद भी किसी का यूरिन में स्ट्रिक्चर जिसको कहा जाता है वो बन जाता है, छोटा सा एरिया जो है वो हार्ड हो जाएगा, उतनी जगह पे जो है ओपनिंग का डायमीटर जो है कम हो जाता है। या फिर कभी कोई हमें बहुत सीवियर कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे कोई TB हो जाता है, कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाता है। आपने देखा जब हमारे हाथ पे कोई चोट लगती है, आपने देखा होगा कि वो उसको ठीक करते, जब बॉडी हील करती है वहाँ निशान पड़ जाता है, वहाँ की जो स्किन है वो खिंच जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, वहाँ पे रिंकल्स वगैरह भी ख़त्म हो जाते हैं। तो यही प्रोसेस हमारे अंदर होता है, जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई मसल्स, कोई सेल्स, कोई टिश्यू डैमेज होते हैं, तो हमारी जो बॉडी है उसको रिपेयर करती है। जब वो रिपेयर करती है तो उसको ड्रॉबैक ये आता है कि वहाँ की स्किन जो है इकट्ठी हो जाती है और स्ट्रेच हो जाती है, उसकी वजह से आपकी जो पेशाब की नली है वो टाइट हो जाती है। कोई भी ऑपरेशन करवाया आपने, उसके बाद कोई निशान रह गया लेकिन उसके बाद में वो स्ट्रेच पड़ गया उसके ऊपर, तो आपकी पेशाब की नली जो है वो टाइट हो जाती है और पेशाब जो है ऊपर किडनी में रुकता है, पेशाब की नली के थ्रू नीचे पेशाब की थैली तक पूरा जो है नहीं पहुंचता है। यूरेट्रोसील, यूरेट्रोसील में भी आपका जो है पेशाब जो है किडनी में और पेशाब की नली में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, जहाँ से नीचे से पेशाब की नली जो है पेशाब की थैली के साथ जुड़ती है,
तो वो ओपनिंग नहीं बनाती, मतलब ओपनिंग जैसे पेशाब की थैली में नहीं जाता है, जो यूरिन फिल्टर होता है वो आपके स्किन की एक लेयर में, स्किन की लेयर में इकट्ठा हो जाता है, प्रॉपर पेशाब की थैली में नहीं जाता वो, धीरे धीरे करके जब इकट्ठा होता है तो ऊपर जो है पेशाब की नली में इकट्ठा होता है, मतलब पेशाब के जो थैली है, जो ब्लैडर है, पूरा यूरिन उसके अंदर नहीं जाता, अलग से स्किन में एक बैलून सा बन जाता है, उसमें इकट्ठा होता रहता है, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा होता रहता है। अब इसके क्या रहता है, शुरुआत में तो लक्षण नहीं आते, मान लीजिए अगर आपकी जैसे मैंने बताया पथरी छोटी है या कोई स्ट्रिक्चर छोटा है कि थोड़ा 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 पानी जो है ऊपर इकट्ठा हो रहा है लिक्विड, थोड़े से जैसे 15% 20% 25% गुर्दे में पानी इकट्ठा हो रहा है, तब आपको लक्षण नहीं आएगा, 50% में भी लक्षण नहीं आता कई बार, या फिर कई बार क्या होता है कि हम एकदम से कभी पानी का गिलास भरकर पीते हैं तो एकदम से दर्द होना शुरू हो जाता है राइट या लेफ्ट जहाँ भी प्रॉब्लम होगी जिस तरफ आपको किडनी में, तो कई बार इकट्ठा पानी पीने से वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, या फिर जहाँ पे सूजन होगी कई बार नॉर्मली वहाँ पे हल्का सा डिस्कम्फर्ट सा रहता है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ हैवीपन सा भारीपन सा लगता रहता है हमें, या फिर पेशाब में जो है जलन होना शुरू होती है, पेशाब एक बार में खुल के नहीं आता है, और एक बार जब करते हैं तो क्वांटिटी जो यूरिन की होती है बहुत कम होती है, क्योंकि स्टोन ब्लॉक है तो पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, स्ट्रिक्चर है तो पेशाब जो जितना आना चाहिए उतना नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा करके खुल खुल के मतलब नहीं आता, मतलब थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में आता है, पेशाब में जलन भी हो सकती है, पेशाब करते हुए दर्द भी हो सकता है, पेशाब में कई बार खून भी आ सकता है, अगर पथरी है तो उसकी रगड़ लग जाती है तो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, तो ब्लड की क्वांटिटी उसमें कम होती है, या पर आपको यूरिन टेस्ट करवाते हैं उसमें पस आएगा, उसका तो थोड़ा क्लाउडी कलर होगा, इसमें आप यूरिन का टेस्ट करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो इसलिए ये प्रॉब्लम पता चल जाती है, और इसका जो है आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, बिल्कुल क्योरेबल है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये है कि अगर लंबे समय तक ये प्रॉब्लम रहेगी आपको, फिर आपका बीपी बढ़ेगा, और अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि नॉर्मल भी आपने देखा होगा लंबे समय तक कोई भी पानी अगर एक जगह पे खड़ा रहता है तो उसमें भी मच्छर आने लग जाते हैं, तो ऐसे ही किडनी में ये तो इसमें तो वैसे भी ये तो फिल्टर्ड जो होता है किडनी जो है इसमें वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, बैक्टीरियास होते हैं, तो यूरिन जो है वो ऑलरेडी अगर लंबे समय तक पड़ा रहता है तो वो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा ही करेगा, पस बनना शुरू हो जाएगी आपकी किडनी में, इसलिए जितनी जल्दी आपको पता चलता है वो बेटर है, सिम्टम्स लक्षण नहीं आते क्योंकि शरीर अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करता है, किडनी अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करती है, और लंबे समय तक आपके किडनी के सारे सेल्स और टिश्यू डैमेज हो गए फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज और एंड स्टेज रिनल डिजीज जो है हो जाता है, और कई बार किसी पेशेंट को तो इतना सीवर इन्फेक्शन हो जाता है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो इसे लापरवाही ना करें, इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है और इजिली आप इसको ठीक कर सकते हैं, तो अपने डाइट पे अपने ध्यान दीजिए, फ्रूट सैलड जूसेस लीजिए, इन्फेक्शन क्रिएट ना हो, रूटीनली टेस्ट करवाइए तो आपको ये डायग्नोस हो जाएगा, और इसलिए इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ईजी पॉसिबल है, तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नमस्ते।